प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है नीति वचन की किताब अध्याय 4 और उसकी 25वीं आयत, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 25 लिखा है, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अजीज, परमेश्वर का वचन आप सब से इस बात को कहता है, लेट योर आई लुक स्ट्रेट अहेड एंड कीप लुकिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अजीजों, क्या कभी आपने इस तरीके से किया है कि आप एक दीवार के ऊपर से या सकरी दीवार के ऊपर से आप चल रहे हैं और आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप दीवार के ऊपर से चल रहे होते हैं, मैं ऊंचाई की छत के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी पगडंडियों में और किसी के प्लॉट में छोटी छोटी दीवारें बनी रहती हैं। मुझे याद है, मैं नागपुर शहर का रहने वाला हूँ और जिस जगह मैं रहता था मेरे घर से थोड़ी दूर कलकत्ता रेलवे लाइन जाती है, और अधिकांश समय कभी कभी हम लोग जब पटरियों के आसपास खेलने जाते तो हम मित्र आपस में प्रतिस्पर्धा करते कि कौन पटरी के ऊपर स्ट्रेट चल सकता है, और जो गिर जाता वो हार जाता। और ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि आपका मेरा जीवन भी ठीक उसी प्रकार से, कई बार जब आप और मैं आगे की तरफ देखते हैं, चलते हैं, क्योंकि अगर आपको पटरियों के ऊपर चलना है तो आपको अपने बैलेंस को बना के रखना है, आपको सामने की ओर देखना है, आपको सचेत रहने की जरूरत है, आपके कानों को खुला रखने की और आपके मस्तिष्क को अलर्ट रहने की जरूरत है। और जीवन भी आपसे मुझसे यही उम्मीद करता है, क्योंकि जीवन में जब आप और मैं आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने जीवन के भीतर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके मेरे ध्यान को आपसे मुझसे हटा सकती हैं, और जब आप और मैं अपने लक्ष्य से अपनी नजरों को हटा देते हैं, याद रखिए आप और मैं डूबने लगते हैं और कहीं ना कहीं पर फिसल कर वहीं पर गिर जाते हैं। कई बार जीवन की बुराइयां आपकी मेरी परीक्षाएं लेती हैं, जीवन की बुराइयां आपको मुझे चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहती है कि मेरे तरफ आओ। मैं इस बात को जानता हूं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन कई बार हम फिर भी इससे छूते रह जाते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि क्रोध करना गलत है, लेकिन फिर भी हम गुस्सा करते हैं। हमें पता है कि चोरी करना अपराध है, लेकिन फिर भी हमारे पास शायद किसी की सीडी पड़ी हो, पुरानी किताब पड़ी हो, शायद हो सकता है किसी का कर्ज हमने लिया और हम देने की हमारी मनसा खत्म हो चुकी। मैं अजीज आपसे सब क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जीवन की प्रतिदिन की परीक्षाएं आपको मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने में रोकती है। लेकिन आज इस सुबह के समय परमेश्वर आपको मुझे अनुग्रह दे कि आप और मैं उसकी नजरों में नजरें मिलाते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने पाए, अपने लक्ष्य तक, नियति तक पहुंचने पाए। नो वन इज परफेक्ट, कोई भी सिद्ध नहीं है, हम सब गलती करते हैं, हम सब गलत मार्गों पर कई बार चलने लगते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए हर समय अपने आप को प्रभु में लगाए रखें, इस सोच को लगाए रखें, खुदावन मैं कमजोर हूं लेकिन तू बलशाली है और तू मुझे आगे की तरफ लेकर जाने के लिए विश्वास चुके हैं। आज इस सुबह के समय जो मेरे संदेश को सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपको लगता है कि जीवन में किसी क्षेत्र में आपसे गलती हो गई, आप गलत हो गए, जिस मार्ग पर आपको नहीं जाना चाहिए था वहां चले गए, जहां आपका रिश्ता नहीं होना चाहिए था वहां पर आपने किया है, आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो सरासर गलत है, और इन सबके बावजूद भी यदि आज आप उसमें लगे हुए हैं, तो याद रखिए ये चीजें आपको मुझे अपने गंतव्य तक कभी पहुंचने नहीं देंगे, उन आशीषों तक कभी पहुंचने नहीं देंगे जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए रखा है। तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है, हमें खुदा से माफी मांगने की जरूरत है कि वह आपको मुझे एक और मौका दे, हमें प्रभु से अनुग्रह मांगने की जरूरत है कि वह आपको मुझे क्षमा करे और हम फिर ट्रैक पर आ जाए, उस पटरी पर आ जाए और चलते हुए आगे की तरफ प्रभु के नाम से हम पहुंचने पाए। आई मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, कोई भी सिद्ध नहीं है प्रभु जी, मैं भी बहुत चीजों में कमजोर हूं, लेकिन आज मैं मिलकर दुआ करता हूं अपने भाई अपनी बहनों के साथ। प्रभु जी, ऐसे बहुत सारी जगहें, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें परमेश्वर हम मार्ग से भटक जाते हैं, भटक गए, लेकिन आज हम मिलकर दुआ करते हैं प्रभु जी, तो हमें फिर से लेकर आओ उस पहले से प्यार में, ताकि अपने ट्रैक पर हम आए, उस पटरी पर हम पहुंचे जहां तू हमें लाना चाहता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।